जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजीह सनलवी फेयर। आज सोशियोलॉजी का हमारा जो है लेक्चर सीरीज का 6th लेक्चर है। इसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेविन्स एंड सोशल कंट्रोल। तो आज से पहले जितने लेक्चर्स पढ़े हैं उनमें से इंशाल्लाह आपके 2-3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। लास्ट लेक्चर भी हमारा इंपॉर्टेंट था अबाउट सोशल एक्शन एंड सोशल इंट्रैक्शन, देन उससे पहले सोशलाइजेशन पढ़ा था। तो ये भी लेक्चर सुनने वाला है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब काइंडली लाजमी कर दिया करें ताकि आप तक जो है ना सारी वीडियोस पहुंचती रहें। तो देखते हैं ये डेविन्स क्या है और सोशल कंट्रोल क्या है। अब मुआशरे के अंदर ना कुछ पहले तो जो वर्ड डेविन्स है ना इसको समझ लेते हैं। एक लफ्ज़ आपने सुना होगा डाइवर्ट। डाइवर्ट क्या होता है कि आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और वहाँ से आप डाइवर्ट हो गए, डेविएशन, ठीक है, रास्ते से हट जाना, इसका डेविएशन और डाइवर्ट, वहीं से निकला डेविन्स। डेविन्स क्या है कि एक मुआशरे के अंदर जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी कुछ नॉर्म्स हैं, वो किसी कल्चर पे डिपेंड करता है, उसकी कुछ रवायात हैं, कुछ सोसाइटल वैल्यूज हैं, उन वैल्यूज से उन नॉर्म्स से डाइवर्ट कर जाना, हट जाना, ये कहलाता है डेविन्स। समझ आ गई? ठीक है, मुआशरे की जो अच्छी नॉर्म्स हैं, जो अच्छी वैल्यूज हैं, उनसे डाइवर्ट हो जाना और बुरे कामों में पड़ जाना इज कॉल्ड डेविएंस, जराइम की तरफ चले जाना इज कॉल्ड डेविएंस। समझ लेते हैं जी। कहते डेविएंस रेफर्स टू बिहेवियर्स और एक्शंस दैट डेविएट फ्रॉम सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। हाँ जी, तो जो आपकी सोसाइटल नॉर्म्स हैं या जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है, जो सोसाइटी चाहती है कि आप ये करेंगे लेकिन आप वैसा नहीं करते, वैसा बिहेव नहीं करते, वैसे नॉर्म्स को अडॉप्ट नहीं करते, वैसे वैल्यूज को अडॉप्ट नहीं करते, तो ये क्या आप सोशल नॉर्म्स से वैल्यूज से डेविएट हो गए, इसको बोलते हैं डेविएंस। कह रहे दीज एक्शंस मे बी कंसीडर्ड अनयूजुअल और अनएक्सेप्टेबल बाय अ पर्टिकुलर कल्चर और कम्युनिटी। बाहर चले रहे हैं अगर तो वहां के कल्चर को तो ये मायूब बात नहीं लगेगी कि कोई जो है ना अनएथिकल जो है कपड़े पहन लें आप, तो वहां पे तो कोई इशू नहीं होता है, लेकिन हमारा कल्चर इस चीज की इजाजत नहीं देता है। यहाँ पे आप वैसे कपड़े पहन के आएंगे तो ऑब्वियसली मायूब समझा जाएगा, ठीक है, गलत समझा जाएगा, समझा जाएगा कि आप अपनी कल्चरल जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, उनसे डेविएट कर गए हैं, हट गए हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे हो रहा है। कहते डेविएंस कैन रेंज फ्रॉम माइनर रूल ब्रेकिंग टू मोर सीरियस क्रिमिनल एक्टिविटीज। छोटे से स्टार्ट होती है ये, शुरू शुरू में क्या हुआ जी, कोई बिल्कुल सिंपल नॉर्म है सोसाइटी की कि बड़ों के साथ अदब से बात करनी है, वहां से ये शुरू होता है काम। आप अदब की बजाय करते हैं ओए, यहां से ये बात स्टार्ट हो गई। आपने किसी बड़े को ओए कह दिया तो मतलब नॉर्म से आप हट गए। जब आप किसी बड़े को ओए कह सकते हैं तो मतलब आप बाहर भी फिर सौ तरह की एक्टिविटीज करें। तो एक छोटी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई है, बड़े बड़े क्रिमिनल एक्टिविटीज तक आपको ये डेविएंस जो है वो ले जाती है जब आप अपने सोसाइटी की नॉर्म से हट जाते हैं। कहता अंडरस्टैंडिंग डेविएंस हेल्प सोसाइटीज एस्टैब्लिश बाउंड्रीज एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। इसको समझ के हम अपनी कुछ बाउंड्रीज तय कर सकते हैं कि ये नॉर्म्स हैं, ये वैल्यूज हैं, इनको हमने डेविएट नहीं करना है, इनसे नहीं हटना है, अगर हटते हैं तो वी विल बी लॉस, मतलब लॉस में जाएंगे, नुकसान में जाएंगे, हमारा फायदा कोई नहीं होगा। मीनिंग है जी, सारा ब्रीफ हो ही गया है, डेफिनेशन देख लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू होटन एंड हंट मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है इसने, कहता है एनी फेलियर टू कंफर्म टू कस्टमरी नॉर्म्स इज कॉल्ड डेविएंस। जो कस्टमरी नॉर्म्स हैं जो कि किसी सोसाइटी की चलती आ रही हैं, उनसे फेलियर हो जाना, उनको कन्फर्म ना करना, उनसे डेविएट हो जाना, डाइवर्ट हो जाना इज कॉल्ड डेविएंस। ठीक हो गया। कॉजेज ऑफ डेविएंस, डेविएंस क्यों पैदा होती है, क्या क्या वजूहात हैं, ये जो हम बड़ों के खिलाफ जो है वो बोल पड़ते हैं, उनको ये कारक बुला लेते हैं या डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसके पीछे वजह क्या है, काउजेस क्या है इस डेविएंस की। सबसे पहले है सोशल इन्फ्लुएंसेस। कहते डेविएंस कैन रिजल्ट फ्रॉम पीयर प्रेशर, सोशल जहां जहां आप बैठते हैं, जहां जहां उठते हैं, जिन लोगों के साथ बैठते हैं, उन वो लोग जैसा बोलते हैं, वो लोग जैसा करते हैं, आप भी वैसा करना शुरू हो जाएंगे, तो दिस मे काज डेविएंस। नंबर सेकंड पे इकोनॉमिक फैक्टर्स, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आपको मजबूर कर देती है कि आप सोसाइटी की नॉर्म जो है, हमारी सोसाइटी की नॉर्म क्या है कि रिश्वत लेना हम क्या समझते हैं, हराम है, और जैसा करेगा
वो आग में जाएगा। लेकिन क्या ऐसी नौबत आती है कि आपको जो है हॉस्पिटल के अंदर जो वार्ड कीपर होता है, चपड़ासी जिसे बोलते हैं, उसको भी आप 100 रुपया दे के बेड तक असेस लेते हैं। ये क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। ठीक है, लाइसेंस बनवाना है गाड़ी का, ठीक है, बाहर जाना बड़ा अर्जेंट चाहिए, गाड़ी चलानी नहीं आती, कभी मोटरसाइकिल से ऊपर ही नहीं गए, तो गाड़ी का लाइसेंस तो होना चाहिए। अच्छा जी, तनख्वाह से गुजारा नहीं होता, 15,000 रुपया दे देना, करवा देंगे। ठीक है, ये क्या है? डेविएशन हो गई अपनी नॉर्म से, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये भी एक वजह है, जहाँ पे बहुत सारी वजूहत हैं, उनमें से एक वजह ये है कल्चरल नॉर्म्स हैं जी। कहते हैं व्हेन कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज कन्फ्लिक्ट विद मेन स्ट्रीम सोसाइटी, इंडिविजुअल्स मे एंगेज इन डेविएंट बिहेवियर एज अ वे टू एक्सप्रेस देयर आइडेंटिटी। यानी कल्चरल नॉर्म्स ऐसी हैं जिनको अडोप्ट करना मुश्किल हो गया ऐसे हालात के अंदर, तो फिर लोग क्या करेंगे, उनसे डेविएट कर जाएंगे। मेंटल हेल्थ इशूज, साइको हैं आप तो भी आप उन नॉर्म से हट सकते हैं। लैक ऑफ सोशल कंट्रोल, कहते हैं वीक सोशल इंस्टीट्यूशन सच एज इन एडुकेट फैमिली, और आपकी जो फैमिली है वो एक इंस्टीट्यूशन है, और अगर वो फैमिली वीक है तो आप डेविएंस का शिकार हो सकते हैं। तो यू डिफरेंट काजेज हैं डेविएंस की, तो ये हमने पढ़ लिया डेविएंस है क्या, इसका मीनिंग क्या, और डेविएंस की काजेज क्या 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 वजूहत बनती है वो हमने पढ़ ली। अब डेविएंस तो हो गया, आप उस उन नॉर्म्स से उन वैल्यू से हट गए, डाइवर्ट हो गए, अब क्या होगा? अब वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, तो उसे उस चेक एंड बैलेंस को बोलते हैं सोशल कंट्रोल। क्या बोलते हैं? सोशल कंट्रोल। टॉपिक को हमने मिक्स करके पढ़ना है, डेविएंस एंड सोशल कंट्रोल, दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। पहले हमने डेविएंस पढ़ लिया कि वो सोसाइटल नॉर्म से वैल्यू से हट जाने का नाम है। इसको ना पास करके देखिएगा, इसकी बैटरी बिल्कुल डाउन तो नहीं हो गई है ना, बंद हो रहा है। तो सोशल कंट्रोल एक्चुअली है क्या? कहते हैं जो डेविएंस है ना, जो डेविएंस हमने वो पढ़ ली है, अब इसके ऊपर को चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए, इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, कैसे अगर कोई डेविएंस हो गई है, अगर लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो गए सोसाइटल नॉर्म से वैल्यूज से, तो क्या किया जाए? कहते हैं डेविएंस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, स्पेशली द हीनियस ऑफेंसेस। कहते हैं डेविएंस जो है ना, इसको कंट्रोल की जरूरत है, स्पेशली जो खतरनाक ऑफेंसेस हैं, लाइक कत्ल है, मर्डर जिसे बोलते हैं, जन अबडक्शन है, डकैती है, ये सारे हीनियस ऑफेंसेस हैं। मैंने बोला था कि डेविएंस एक छोटे लेवल से शुरू होकर बड़े क्राइम्स की शक्ल में चली जाती है, तो जब डेविएंस इस हद तक बढ़ जाए कि आप मर्डर जो हैं वो आम हो रहे हैं, डकैती आम हो रहे हैं, और आपकी जो अबडक्शन वगैरह है, लाइक किसी को अबडक्ट कर लेना, ये सारी चीज़ें अगर आम हो रहे हैं, तो फिर उन पर कोई चेक एंड बैलेंस, सोशल कंट्रोल जो है वो लाजमी है। तो फिर क्या कहते हैं, कहते हैं सोशल कंट्रोल रेफर्स टू द वेज सोसाइटीज मेंटेन ऑर्डर एंड कन्फर्मिटी अमंग देयर मेंबर्स। तो सोशल कंट्रोल वो चीज है कि जिसके जरिए हम सोसाइटी के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, कि लोग जो है वो डाइवर्ट ना करें सोशल नॉर्म से और वैल्यू से, और सोसाइटी के अंदर अमन जो है वो कायम रहे, पीस जो है वो मेंटेन रहे। कहते हैं इट इन्वॉल्व्स नॉर्म्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस दैट गाइड बिहेवियर्स, इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स फॉलो एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स। इसके जरिए कुछ नॉर्म्स तय कर दी जाती हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स कायम कर दिए जाते हैं, इंडिविजुअल्स को कहा जाता है कि आपने इन स्टैंडर्ड्स को, इन नॉर्म्स को अडॉप्ट करना है, फॉलो करना है। कहते हैं फ्रॉम इनफॉर्मल पीयर्स प्रेशर टू फॉर्मल लॉज, सोशल कंट्रोल शेप्स आवर एक्शंस, हेल्पिंग कम्युनिटीज फंक्शन स्मूथली एंड पीसफुली। इंट्रोडक्शन हो गया इसका, मीनिंग पढ़ लीजिएगा। डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू सी एन शंकर राव, क्या डेफिनेशन देता है इसकी? कहते हैं सोशल कंट्रोल रेफर्स टू वेरियस मीन्स By which a group or society attempt to achieve social control. यानी ये वो means हैं, वो ways हैं जिनके जरिए कोई भी group या society कोशिश करता है कि हम social control को जो है adopt कर लें, society के अंदर peace को जो है वो maintain कर लें। Types of social control क्या हैं जी? सबसे पहले type है formal control। Formal control में क्या क्या आ सकता है जी? Law and regulation आ सकता है। फॉर्मल कंट्रोल के अंदर हम कुछ लॉज बना सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं कि इनको आपने अडॉप्ट करना है ताकि डेविएंस से हम बच सकें। इंस्टीट्यूशनल सैंक्शंस, जो अदारा है वो कुछ सजाएं दे सकता है, सजाएं दे के जो है वो डेविएंस पे कंट्रोल कर सकता है।
देन पुलिस एंड जुडिशियल सिस्टम, पुलिस का सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम इस कदर इफेक्टिव बना सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सजाएं दी जाएं कि लोग कंट्रोल हो रहे हैं। देन इनफॉर्मल कंट्रोल है, इनफॉर्मल कंट्रोल में क्या है, सोशल नॉर्म्स आ जाती हैं, फैमिली एंड पीयर प्रेशर आ जाता है और पब्लिक ओपिनियन है। स्टेप्स टू अटेन सोशल कंट्रोल, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको लेके हम सोशल कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, सोशल कंट्रोल पे अमल किया जा सकता है, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स एंड नॉर्म्स, जो आपकी नॉर्म्स हैं और जो आपके रूल्स हैं वो क्लियर कट होने चाहिए, आम फहम इंसान जो है उनको समझ सके। देन कम्युनिकेट एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी सोसाइटी की टुवर्ड्स द इंडिविजुअल्स, वो बिल्कुल उनके बारे में आपको कम्युनिकेट करना चाहिए, लोगों को उनके बारे में अवेयर करना चाहिए, बताना चाहिए। एनकरेज पॉजिटिव रोल मॉडल्स, तो आपके जो रोल मॉडल्स हैं सोसाइटी के अंदर उनके बारे में इनकरेज करना चाहिए। पनिश नॉन कम्प्लायंस, जो इस चीज़ की कंप्लायंस नहीं करता है, जो इस चीज़ को नहीं मानता है जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए हैं, उनको पनिश करें ताकि उनको इस चीज़ का एहसास हो। देन है प्रमोट सोशल कोहेजन, तो मुआशरे के अंदर जो है ना सोशल कोहेजन जो है आपस में हम आहंगी जो है उसको प्रमोट करें ताकि जो है डेविंस कम से कम हो सके और सोशल कंट्रोल को आप मेंटेन कर सकें। देन आपको क्वेश्चन आ सकता है डिफरेंस बिटवीन डेविंस एंड क्राइम, के डेविंस और क्राइम के अंदर डिफरेंस क्या है। सबसे पहला डिफरेंस इनका डेफिनेशन का है, डेविंस की डेफिनेशन को पढ़ लें, क्राइम की डेफिनेशन को पढ़ लें। देन लीगैलिटी का कंसेप्ट देख लें, डेविएंट एक्ट कैन बी कंसीडर सोशली अनएक्सेप्टेबल बट मे नॉट बी अगेंस्ट द लॉ, मुआशरा तो इसको बुरा समझ सकता है लेकिन ये लॉ के अगेंस्ट कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन जो क्राइम है वो तो ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ है। सोशल रिएक्शन, डेविएंस पे जो है ना आपको मुआशरा सजाएं देता है, लाइक अगर छोटी नेचर तो डेविएंस, जैसे मैंने पहले बताया था किसी की शादी पे अगर नहीं जाते हैं तो वो मुआशरा को सजा है, किसी की कोई मतलब मर्द की कोई बात है तो उसमें अगर कोई ऐसा वैसा होता है तो मुआशरा आपको उसकी सजाएं दे रहा होता है, मुआशरा से। लेकिन जब आपको मिलती है क्राइम के बारे में आप डिस्कस करते हैं तो उसमें टोटली लीगल सारे काम होते हैं। स्कोप देख लें किसका वाइड है और पनिशमेंट देख लें कि इसमें क्या मिलती है। कंक्लूजन की तरफ अगर आ जाए तो डेविंस हमने देख लिया कि सोसाइटल नॉर्म्स, सोसाइटल वैल्यूज जिनसे आप डाइवर्ट कर जाते हैं और वो छोटे लेवल से शुरू हो गए बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाते हैं, ये तो हो गया जी डेविंस। अब ये जब ये डेविंस कमिट हो जाता है तो फिर इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है, तो दैट इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। वो सोशल कंट्रोल कैसे करना है वो डिफरेंट फैक्टर्स भी उसके देख लिए, डिफरेंट उसकी टाइप्स भी देख ली, डेविंस और क्राइम का आपस में रिलेशन भी देख लिया। कुछ समझ नहीं आई बात तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जी। 6 लेक्चर्स हो गए, इंशाल्लाह मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब काइंडली लाजमी कर दिया करें। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।